बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ भुनी हुई बट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हैं इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स। पैन में ऑयल डाल दें। अब इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, इसको डालकर भून लें। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह भुन जाए, अब इसमें ब्राउन प्याज का पेस्ट शामिल कर लें और थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको अदरक लहसुन के साथ मिक्स कर लें। इसको भून लें। जब ये भुन जाए तो इसमें तमाम मसाला जात, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन तमाम मसालों को डाल दें और अदरक लहसुन और प्याज में मिक्स करके भून लें। अब इसमें सोया शामिल कर दें और मज़ीद भून लें। इतना भूने कि मसाले में दाना आ जाए। अब कवर कर दें और पानी खुश्क होने दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो मसाले को मज़ीद भून लें। अब इसमें बट शामिल कर दें। गली हुई बट को इसमें मिक्स कर दें और कवर करके मज़ीद गलने के लिए छोड़ दें। अब जो बट का पानी है वो जब खुश्क होने लगे तो इसको मिक्स कर लें। अब इसमें दही शामिल कर लें। और अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि दही और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और बट मज़ीद गल जाए तो इसको मिक्स कर लें और इसको भून लें। अब ऊपर से मज़ीद सोए शामिल कर दें। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब इसको डिश आउट कर लें। ऊपर से गार्निश के लिए सोए डाल दें। आपके मज़ेदार भुनी हुई बट सर्व करने के लिए तैयार है।